संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जीवन में कोई भी संकट हो, जीवन में कोई भी पीड़ा हो, हनुमान जी का स्मरण करने से जो पीड़ाएं हैं वो शांत होती हैं, जो संकट है वो टल जाते हैं। 23 अप्रैल 2024 दिन है मंगलवार, चैत्र मास की है पूर्णिमा और इस दिन हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्म दिवस है और ये दिन बड़ा विशेष है हनुमान जी की कृपा पाने के लिए। किस तरह से इस दिन हम हनुमान जी की कृपा पाके अपने संकटों से मुक्ति पा सकते हैं, किस तरह से इस दिन हम हनुमान जी की कृपा पाके अपने जीवन की पीड़ाओं से मुक्ति पा सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हनुमान जी एक इस तरह की ऊर्जा है, एक इस तरह के देव हैं जो हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर होते हैं। जरूरत है केवल और केवल उनकी ऊर्जा के साथ अलाइन होने की, उनकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने की। हनुमान चालीसा से बढ़के कोई औषधि नहीं है जो हनुमान जी को प्रसन्न कर सके। हनुमान जी हम सभी को पता है कि श्रापित देव हैं, अपनी ताकतें वो तब तक भूले रहते हैं जब तक उनकी ताकतें उनको याद ना करवाई जाएं। और तभी हनुमान चालीसा जो है ये एक विशेष तरह का प्रयोग है, एक विशेष तरह का मंत्र है जिसे हनुमान जी की भूली हुई ताकतें उनको याद करवाई जाती हैं। यूं देखिए हर देवी देवता के चालीसा बाद में बन गए, लेकिन वो चालीसा तो है, चालीसा से ज्यादा वो पोइट्री है जिसमें केवल गुणगान किया जाता है। हनुमान चालीसा एक विशेष प्रयोग है जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और इसका एक एक शब्द जो है भावपूर्ण है, एक एक शब्द पर्पज वाइज है। और हनुमान चालीसा तभी कहा जाता है ना, एक अमोघ अस्त्र बन जाता है जब भी जीवन में कोई ऐसी दिक्कत हो जो आपको समझ नहीं आ रहा कि इससे निकला कैसे जाए। आप ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे समझ ही नहीं आ रहा है कि इससे निकले तो निकले कैसे, तो हनुमान चालीसा जो है आपको हर दिक्कत से मक्खन से बाल की तरह निकाल के ले जाता है। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में विशेष प्रयोग बताए थे कि हनुमान चालीसा को किस तरह से पढ़ा जाए कि आप हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकें। आपको वो जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर रेफर करिएगा। लेकिन अब 23 अप्रैल को हनुमान जयंती वाले दिन हम हनुमान जी की विशेष कृपा किस तरह से प्राप्त करें हम वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज जान लीजिए कि हनुमान जी की कृपा जो है वो भगवान राम के आशीर्वाद के बिना नहीं मिलती है। इसलिए उस विशेष दिन जब भी आप हनुमान जी का पाठ करने के लिए बैठेंगे ना तो पहले एक मिनट दो मिनट श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम इसका जप करने के बाद फिर आप आइएगा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए और फिर देखिएगा कि साक्षात हनुमान जी किस तरह से आपकी मदद करते हैं। मे भी वो मानव रूप लेके आए आपकी मदद करने के लिए और जो इंसान आपकी मदद करके जाएगा आपको बाद में पता चलेगा अरे भाई ये तो भगवान का रूप बन के आए थे और मेरी मदद करके चले गए। ये ऐसा होता है हनुमान जी जब आपको आशीर्वाद देते हैं। जीवन में आपको लग रहा है कि आपको अब ताकत चाहिए, बड़ा लो फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर अब करेज की कमी आ रही है। आप पहले टाइम पे बड़े कॉन्फिडेंट थे लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बीती कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, कुछ परिस्थितियां ऐसी बीती कि आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि को खो बैठे हैं, सही डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। आपसे कम जानकार लोग आपको पढ़ा के चले जाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए और आप मन ही मन सोचते हैं ये लोग मुझे सिखाएंगे। आपका तो नॉलेज बेस उनसे कहीं ज्यादा है लेकिन कुछ ग्रहों का क्रम ऐसा बैठा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बैठी कि ना आप में करेज बची, ना आप में सही डिसीजन लेने की ताकत बची, रिस्क आप ले नहीं पा रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अब करें तो क्या करें। यहां पे हनुमान जयंती एक विशेष दिन है। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। आप केवल इन लाइनों का उच्चारण 11 माला करिए, यानी 108 बार एक माला में होता है। आप हनुमान जयंती वाले दिन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, इसको अगर आप 11 माला सिद्ध कर लेते हैं ना आप हैरान हो जाएंगे कि कहां से आपके अंदर इतने साहस का संचार आ रहा है, कहां एकदम से आपकी डिसीजन मेकिंग सही हो रही है, कहां आपकी भूली हुई ताकतें आपको याद आ रही हैं। हनुमान जी हम सबके अंदर विराजमान है, अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान है और वही हनुमान जी जब सोए हुए होते हैं ना तो आप अपनी ताकतें भूल जाते हैं। तो जब आप अपने अंदर के उन सूक्ष्म देव को जगाएंगे ना तो आपकी अपनी ताकतें जो है उनकी कृपा से बाहर आएंगी और फिर आपको उसी संकट से निकाल के बाहर लेके जाएंगी जिस संकट से अभी आप वर्तमान में जूझ रहे हैं। हनुमान जयंती जो पूर्णिमा का दिन है ये उपाय, ये प्रयोग करने के लिए बड़ा ही विशेष दिन है। पंचमुखी हनुमान जी से आप हनुमान जयंती वाले दिन किस तरह से लाभ ले सकते हैं इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा, अभी बने रहिएगा।
शरीर में रोग जो हैं बहुत सता रहे हैं, एकदम से ऐसे रोग आ गए हैं जो डॉक्टर भी ढंग से डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, या रोग ऐसा है कि ज्यों ज्यों दवा करते जा रहे हैं ना रोग ठीक नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ ही रहा है, आप डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, ओपिनियन पे ओपिनियन लेते जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सर्जरी पे सर्जरी होने से दुखी हैं, कई लोग ऐसे हैं झट से एकदम से ऐसी बड़ी दिक्कत आ गई है कि मानो के जीवन ही संकट में लगना शुरू हो गया है। तो फिर भी हनुमान जयंती जो है ना ये एक विशेष दिन है, फिर से हनुमान चालीसा पे ही रेफर करना होगा। राम रसायन तो मेरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपने क्या करना है, तांबे के लोटे में जल लेना है, उसको आप रखिए घर के पूजा स्थान पे, और उसमें केवल एक या दो दाने डाल दीजिए चीनी के। अब आपने 11 माला ये लाइनें जपनी हैं, 108 बार एक माला में। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। लेकिन यहां पे आपने हनुमान जी की कौन सी फोटो रखनी है, आपने हनुमान जी की संजीवनी बूटी ले जाते हुए की फोटो रखनी है। 11 माला पढ़ने के बाद आपने इस जल को मार देनी है फूंक। आप खुद अगर परेशान है बीमारी से तो इस जल को पी लीजिए, अगर आपके घर का कोई मेंबर परेशान है तो ये जल उनको पिला दीजिए, बल्कि इस दिन ये जल घर के सभी मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा पिलाइए। ये निरोग रहने की अचूक औषधि बनेगी अगर आप ये उपाय हनुमान जयंती वाले दिन कर जाते हैं। हनुमान जी की भी मैंने फोटो की बात की है ना, तो एक चीज याद रखिएगा कि हनुमान जी की जो पूजा है ना, एक सकाम भाव से की जाती है और एक निष्काम भाव से की जाती है। निष्काम भाव से क्या है कि आपको उस ऊर्जा से कनेक्ट होना है, आपके अंदर कोई डिजायर नहीं है, आप केवल और केवल उस ऊर्जा के साथ अपने आप को आत्मसात करना चाहते हैं, हनुमान जी की ऊर्जा के साथ खुद को सिर्फ अलाइन करना चाहते हैं। मन के अंदर एक सेवा भाव है कि हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं जनमानस का कल्याण कर सकूं, मैं जनमानस की सेवा कर सकूं, जो साधन मेरे पास है इतना भर है। तो आप केवल हनुमान जी की साधनारत होते हुए की फोटो जो है, जहां पे हनुमान जी चौकड़ी मार के साधना कर रहे हैं, ये फोटो घर के पूजा स्थान पे रखिए। लेकिन अगर आप किसी प्रायोजन से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, प्रायोजन धन प्राप्ति हो सकता है, प्रयोजन शत्रु शमन हो सकता है, प्रयोजन हेल्थ हो सकती है, प्रयोजन कोई भी हो सकता है, तो हनुमान जी की कौन सी फोटो रखनी है आपने, या तो संजीवनी बूटी ले जाते हुए हेल्थ के लिए, वरदान मुद्रा है ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए, झंडा लहराते हुए हनुमान जी हैं अगर किसी ना किसी तरह से आपको लगता है कि केसेस हैं या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या किसी विवाद में आप फंसे हुए हैं तो, या ओवरऑल अगर आपको चाहिए कि हनुमान जी की आपने कृपा लेनी है तो राम जी के चरणों में बैठे हुए हनुमान जी की फोटो जो है ये घर के पूजा स्थान पे रखिए। हनुमान चालीसा है उसको रोज 11 बार पढ़ के एक बार बजरंग बाण पढ़िए, चमत्कार देखिएगा कि किस तरह से हनुमान जी आपके जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं। और इस प्रयोग को शुरू करने का दिन जो है हनुमान जयंती से बेहतर हो ही नहीं सकता है। फिर से मैंने जिन लाइनों से इस वीडियो को शुरू किया था कि अगर आप किसी ना किसी संकट में फंसे हुए हैं तो आप झंडा लहराते हुए हनुमान जी की फोटो के आगे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, इसकी 11 माला का जप कर लीजिए हनुमान जयंती वाले दिन, देखिएगा किस तरह से हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष प्रयोग है, कैसे, आसन जो है आपने कौन सा रखना है लकड़ी का, और साथ में आपने लाल कपड़ा बिछाना है खाली अपने दाएं हाथ, जिस पे कहा जाता है हनुमान जी आके विराजमान होते हैं, तब यह पाठ करिएगा श्री राम जय राम जय जय राम से शुरू करके। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, थोड़े से छुहारे आपने पूजा स्थान पे रखने हैं ऑड नंबर में, आप 3, 5, 7, 11 कुछ भी रख सकते हैं, और साथ में लाल रंग की मौली का गोला, ये लाल पीली नहीं होनी चाहिए केवल लाल मौली, ये रखिए। और फिर आप संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा का 11 माला जप करिए, और फिर ये मौली जो है अपनी राइट कलाई पे बांध लीजिए, और ये जो छुहारे हैं लाल कपड़े में बांध के अपने पास धन स्थान पे या किसी और जगह पे सेफली रख लीजिए, ये अब आपका कवच बन गया। अब कोई भी संकट होगा, कोई भी विवाद होगा ना, हनुमान जी मानव रूप में आएंगे सहायता करने के लिए, हनुमान जी डिवाइन फोर्स के रूप में आएंगे आपको बिल्कुल किसी भी दिक्कत से निकालने के लिए। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, किसी भी चीज का संदेह है कि पता नहीं आगे मेरा क्या ही बनेगा, या आप किसी भी तरह से मेंटल ब्लॉकेज में हैं, डॉक्टर कहते हैं आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, मन रोने का कर रहा है, आइसोलेट रहने का मन कर रहा है, या आप प्रोडक्टिव रह ही नहीं गए हैं, आप मन के हाथों इतने बेचैन हो जाते हैं, फ्यूचर को लेकर चिंता इतनी खा जाती है आपको कि आप चाह के भी अपना भला नहीं कर पा रहे हैं, टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है, तो फिर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महे हरहु कलेश विकार, 11 वाला इसका जप कर लीजिए हनुमान जयंती वाले दिन। आज आपको मैं चमत्कार दे रहा हूं, चमत्कार, इससे कम नहीं है ये,
आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से एकदम एक दिन में ही चीजें आपके लिए सही हो गई। अब आइए पंचमुखी हनुमान जी की महिमा पे। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो आपने देखी होगी, जब अहिरावण का संहार करना था, जब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से छुड़ाना था तो हनुमान जी ने पंचमुखी रूप लिया था। आपको लगता है कि आपके जीवन में अब किसी ना किसी तरह से कोई ऐसी दिक्कत है जिससे विजय पाने की आपको जरूरत है। यह दिक्कत कैसी हो सकती है? लड़ाई झगड़े फसाद। यह दिक्कत कैसी हो सकती है कि कर्ज के जाल इतने बढ़ गए हैं, आपकी कमाई उतनी बढ़ नहीं रही है कि आप अपने कर्जे को चुका सकें। तो पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो या छोटी सी मूर्ति को आप अपने घर के पूर्व में किसी पवित्र किसी साफ जगह पर रख दीजिए, रोजाना उनके सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़िए। पंचमुखी हनुमान जी के जो पांच रूप है ना, उसमें से जो वानर मुख है ना उनका, ये कहा जाता है कि ये ईस्ट की तरफ होता है और ये विक्ट्री दिलाता है। और जो हनुमान जी का गरुड़ मुख है पंचमुखी हनुमान जी में, ये घर के पश्चिम की तरफ होता है और ये आपके जीवन में रुकावटों को दूर करता है। तो अगर आपको लगता है कि काम लास्ट मोमेंट तक तो आ जाते हैं लेकिन आपके काम बनते ही नहीं है, कई लोगों ने बिल्डर्स के पास पैसा फंसा रखा है लेकिन उनको ऑप्शन ही नहीं मिल रही है, कई लोगों की कोई प्रॉपर्टी जो है बिकने से रह रही है जिसकी वजह से जीवन में सारे काम रुक गए हैं, कोई भी वो काम करते हैं रुकावट के बिना काम ही नहीं पूरा होता है, शादी योग्य बच्चे हैं उनके रिश्ते ही नहीं आते हैं, रिश्ते आते हैं तो लोग पहले बात चलाते हैं, लोग चुप हो जाते हैं, या काम कारोबार एकदम से शुरू तो होता है लेकिन काम रुक जाता है। ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को घर के पश्चिम में रखिए या छोटी मूर्ति को घर के पश्चिम में रखिए, लेकिन रखनी साफ सुथरी जगह पे है। हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप है उसमें एक वराह मुख है, वराह मुख जो है ये आपके ये हनुमान जी का ये नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ होता है, तो आप पंचमुखी हनुमान जी को अगर नॉर्थ में रखेंगे ना तो आपके काम में क्या होगा कि सबसे पहले तो यश कीर्ति बढ़ेगी, आयुष बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि घर में किसी सदस्य की आयु को खतरा है या एकदम से रोग ऐसा चल गया जो रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो पंचमुखी हनुमान जी को आप घर के नॉर्थ में रखिए, फिर यहां पे रोज एक हनुमान चालीसा पढ़िए। ये हनुमान जयंती वाले दिन अगर आप करेंगे ना तो इसका प्रभाव 108 गुना बढ़ जाता है। अब पंचमुखी हनुमान जी में नरसिंह रूप है एक, ये जो नरसिंह रूप है ये तनाव और मुश्किलों को हल करने के लिए है। आपको लगता है स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत है, तनाव बहुत है, तो साउथ में रख दीजिए। एक तो तनाव एकदम से खत्म, रिलैक्सेशन ऐसी मानो कि आपने कोई दवाई ले रखी हो रिलैक्सेशन की। आपने केवल करना इतना है कि वहां पे साफ सुथरी जगह पे साउथ दिशा में पंचमुखी हनुमान जी को रख के हनुमान चालीसा रोज पढ़िए और इसको स्थापित करिए आप हनुमान जयंती वाले दिन। देखिएगा किस तरह से आपकी सारी मुश्किलें और तनाव जो हैं वो हनुमान जी हल करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी में एक अश्व रूप है, पांच मुखों में हनुमान जी का एक अश्व का रूप है, आकाश की तरफ मुख है, लेकिन क्योंकि 2D फोटो या 2D मूर्तियां होती है ना तो उसमें सामने की तरफ ही वो बना देते हैं। तो इसको आप अपने घर में मंदिर में रख लीजिए, किसी पवित्र जगह पे रख लीजिए। अगर आपको लगता है आपको यथा योग्य सम्मान नहीं मिल रहा है, आप जहां पे भी जाते हैं आपको आपकी पहचान ही नहीं मिल रही है, ज्यादातर काम पर्दे के पीछे रखे, कुछ लोग है ना पॉलिटिक्स में है जो फ्रंट फेस बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, संगठन में ऊपर नहीं आ पाते हैं, अपने ऑफिस में भी पूरा काबिल होते हैं, उनसे नाकाबिल लोग जो है उनसे आगे बढ़ जाते हैं, उनका जो भी यशमान कीर्ति है वो मिलता ही नहीं है, या कह लीजिए कि उनकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो वो पूरी तो करना चाहते हैं लेकिन पूरी होती ही नहीं है, तो फिर आप पंचमुखी हनुमान जी को घर के पूजा स्थान पे रखिए और फिर रोज एक हनुमान चालीसा पढ़िए और स्थापित करिएगा हनुमान जयंती वाले दिन। देखिएगा किस तरह से हनुमान जी जो है आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं, इतना भर करिए। और अब लास्ट में एक विशेष चीज, जीवन में आप किसी भी मुश्किल से निकल रहे हैं ना, आपको हनुमान जी का एक विशेष शाबर मंत्र दे रहा हूं, और ये जो शाबर मंत्र है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी दे देता हूं, मैं पहले भी अपने रील्स या शॉर्ट्स में दे चुका हूं इस मंत्र को, लेकिन जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना उनके लिए बड़ा विशेष मंत्र है ये। इसको आपने तब जपना है जब आप ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे निकलने का आपको कोई रास्ता कोई साधन नहीं मिल रहे हैं। शाबर मंत्र क्या होते हैं? स्वयं सिद्ध मंत्र, जिनको पढ़ने के लिए कोई विशेष आसन की जरूरत नहीं है, जिनको पढ़ने के लिए किसी और विशेष विधि की जरूरत नहीं है, ये पहले से प्री एनर्जाइज्ड मंत्र होते हैं। उनमें से ये जो मंत्र है ना बड़ा विशेष है, मेरे गुरु ने मुझे दिया था और मैं चाहता हूं कि मैं जनमानस तक इसको पहुंचाऊं, जिनको इनकी जरूरत है उन तक पहुंचाऊं। ये आपको किसी बुक या किसी टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। ये मंत्र है ओम पीर बजरंगी
राम लखन के संगी, जहां जहां जाए फतेह के डंके बजाए, दुहाई माता अंजनी की आन। इस मंत्र को सारा दिन उठते बैठते आते जाते बोलते रहिए, लेकिन तभी अगर आप किसी दिक्कत में हैं तो इसको ओपन एंडेड शौकिया मत करिएगा, प्रॉब्लम आने पे करिएगा, प्रॉब्लम 100% हनुमान जी विशेष कृपा करके सॉल्व करेंगे ही करेंगे। हनुमान जयंती साल में एक बार आती है, विशेष दिन है, जितना लाभ ले सकते हैं ना लीजिए, इस दिन हनुमान जी की विशेष कृपा बरस रही है, आप केवल और केवल उस कृपा को अपने आंचल में समेटने वाले बनिए। हनुमान जी बड़े दयालु हैं, केवल और केवल सरल भाव से भगवान राम का नाम लेने के बाद उनकी पूजा शुरू करिएगा और फिर देखिएगा किस तरह से कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो एक बार फिर से आपको भगवान हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो से लाभ लेके अपने जीवन को खूब संवारिए। आपको लगता है किसी अन्य को इस वीडियो की जरूरत है तो उनसे भी इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।